यूपी का ये मजदूर एक ही रात में बन गया 2 अरब रुपयों का मालिक। अंबानी अडानी सब ताकते रह गए। खाते में इतना पैसा आ गया कि सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे गांव की कई पुश्तें सालों बैठकर खा सकती हैं। मजदूर के खाते में इतना पैसा देख योगी भी हैरान रह गए। आयकर विभाग की टीम उसके घर भेज दी। आखिर एक मजदूर के खाते में कहां से आ गई इतनी दौलत और कैसे झटके में बन गया अरबों का मालिक, सब देखिए। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के छोटे से गांव में रहने वाले एक मजदूर के साथ, जिसे ऊपर वाले ने एक झटके में लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का मालिक बना दिया। उसका पैसा देख अंबानी अडानी भी दंग रह गए। यहाँ तक कि एक मजदूर के खाते में इतना पैसा कहाँ से आया, इसलिए योगी ने आयकर विभाग की टीम भी उसके घर भेज दी जाँच करने। खैर, कहानी को जरा बारीकी से समझते हैं। दरअसल यूपी के बस्ती में एक मजदूर की लॉटरी लग गई, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये कि उस मजदूर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके खाते में अरबों रुपया पड़ा रहा और वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा। और जब मजदूर को लॉटरी की जानकारी हुई तब तक उसके घर आयकर विभाग का नोटिस पहुंच चुका था, मतलब कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बता दें, लालगंज थाना क्षेत्र के बर्तनिया निवासी एक मजदूर के बैंक खाते में 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख 7 रुपए जमा हुए, पर मजदूर इस बात से बिल्कुल अनजान था। कुछ दिन पहले रजिस्टर डाक से जब आयकर विभाग का नोटिस उसके घर पहुंचा तो मजदूर समेत पूरा परिवार सख्ती में आ गया और परिवार ने प्रकरण की शिकायत लालगंज थाने में कर दी। जानकारी के मुताबिक बर्तनिया निवासी शिवप्रसाद निषाद दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। आयकर का नोटिस घर पहुँचने की जानकारी मिलने के बाद वह गाँव लौट आए। इस नोटिस में उसके बैंक खाते में 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख रुपया कैश जमा होने की जानकारी देते हुए निर्माण कार्य के तौर पर भुगतान में 4,58,715 रुपया TDS कटने की जानकारी दी गई। शिव प्रसाद को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके नाम से ऐसा कौन सा करंट खाता है जिसमें इतने रुपए जमा किए गए। मार्बल की घिसाई करने वाले शिव प्रसाद ने आशंका जताई कि 2019 में उसका पैन कार्ड गुम हो गया था। इसकी मदद से ही किसी ने जालसाजी कर उसके नाम से खाता खोल लिया होगा। इस बाबत लालगंज थाने पर संपर्क करने पर खाते की डिटेल निकाल कर प्रकरण की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।